2004 की एशियाई सुनामी के बाद मैंग्रोव लगाना दुनिया भर में लोकप्रिय हो गया। मैंग्रोव झाड़ी या पेड़ होता है जो खारे तलछट में पनपता है। यह तटों को कटाव, चक्रवात और तूफानी लहरों से बचाता है। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन के लोगों के लिए मैंग्रोव से मिलने वाले लाभ जीवन और मृत्यु, आशा और निराशा की तरह हैं। यहाँ साल 2000 में आए चक्रवात आइला के बाद मैंग्रोव रोपण ने लोकप्रियता हासिल की। राज्य सरकार दावा करती है कि सरकार ने 18.5 करोड़ मैंग्रोव के पौधे लगाए। सुंदरबन में 2020 से लेकर 2022 तक कई स्थानीय प्रजाति के मैंग्रोव लगाए गए। इस काम के लिए सरकार ने 60 करोड़ रुपए खर्च किए। अब सवाल उठता है कि पौधरोपण की यह परियोजनाएं कितनी सफल रहीं, इन पौधों की निगरानी कौन कर रहा है और वे कितने उपयोगी हैं। यहीं पर चेन्नई नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। ये बड़े हो चुके पेड़ जो आप देख रहे हैं करीब 5 से 10 साल पहले लगाए गए थे। ये क्षरण को रोकने में सहायक रहे हैं। हालांकि पिछले साल के वृक्षारोपण के दौरान सभी पौधे रेत में ढक गए थे। इस वर्ष भी पौधारोपण किया गया है। अब ये देखना बाकी है कि क्या रेत उन्हें फिर से ढक लेती है। मोटामोटी देखा जाता है अपन माथागुलो। सुंदरबन में दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वनों का क्षेत्र है। भारत में मैंग्रोव का सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 42% पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में पड़ता है। सुंदरबन पर 2020 में चक्रवात अम्फान ने कहर बरपाया, तब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बड़े पौधरोपण अभियान की घोषणा की। दक्षिण 24 परगना जिले में 2500 हेक्टेयर से अधिक में 5 करोड़ मैंग्रोव लगाए गए हैं। लेकिन कहानी सिर्फ मैंग्रोव लगाने से खत्म नहीं होती। मोंगा बी इंडिया ने सुंदरबन में लगाए गए मैंग्रोव के बागानों का दौरा किया। यहाँ दिखा कि पानी के बहाव में कई पौधे बह गए हैं। ये पौधे 2020 के दौरान पौधरोपण अभियान में लगाए गए थे। पंचायत के एक अधिकारी के मुताबिक 2 साल से कम समय में लगभग तटबंध के किनारे 700 मीटर क्षेत्र वीरान पड़े थे। यहाँ मैंग्रोव का नामो निशान नहीं था, नदी के बहाव में पौधे बह गए। सुंदरबन के झरखाली में महिलाओं के नेतृत्व वाले गैर सरकारी सोबुज बहिनी के सदस्य ने मैंग्रोव पौधरोपण को लेकर अपने अनुभव साझा किए। एक्चुअली अपना सुंदरबन समुद्र करीब है और नदी की लहरें काफ़ी तेज हैं। इस खिंचाव को आप देख रहे हैं, ये लगभग 400 मीटर चौड़े अंतरज्वारीय स्थान से बना है। इसकी वजह से मैंग्रोव को बढ़ने का मौका मिल रहा है। यह एक प्राकृतिक मैंग्रोव वन है। यह तूफानी लहरों से तटबंध की रक्षा करता है। तट के किनारे मैंग्रोव लगाने के सभी प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं, लहरें इन्हें धो देती हैं। सोते से गाजगुलों के भाषी नहीं चले। मैंग्रोव रोपण जटिल है। ज्वार के चक्र पौधरोपण के लिए बेहद कम समय का मौका देते हैं। पौधरोपण के लिए एक उपयुक्त स्थान ढूंढना भी कठिन है। एक वयस्क मैंग्रोव का पेड़ चक्रवातों और तूफानों के प्रभाव को कम कर सकता है, लेकिन हाल के वर्षों में कई अध्ययनों से पता चला है कि मैंग्रोव के नए पेड़ बहाव को नहीं झेल पाते हैं। यदि पानी की तरंग तीव्र हो तो वे उसका मुकाबला नहीं कर पाते। मैंग्रोव पौधरोपण तब तक सफल नहीं होगा जब तक पौधों को लहरों से ना बचाया जाए। इसके लिए सही स्थान का चुनाव अभियान की सफलता के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। पौधरोपण सही जगह और सही समय पर करना होगा। चांद उगने पर जो स्ट्रिंग टाइड ज्वार आता है वह कम प्रभावी होता है और पानी पीछे हटने से अधिक जमीन दिखती है। निप टाइड के दौरान पानी फिर वापस लौट आता है। अगर ज्वार की वजह से हासिल अतिरिक्त भूमि का उपयोग वृक्षारोपण के लिए करते हैं तो पौधे जीवित नहीं रहेंगे। इसलिए हम ध्यान ज़्यादा नदियों पर देते हैं और हमने देखा है कि वहाँ बहुत सारे मैंग्रोव लगाए जा रहे हैं। इनमें से लगभग आधे जीवित हैं। इन वृक्षारोपण को और अधिक निगरानी की आवश्यकता है। हालांकि कुछ परियोजनाएं हैं जो सही राह पर हैं। पत्थर प्रतिमा जी प्लॉट नामक क्षेत्र में महिलाओं के नेतृत्व वाले दो समूह सृजनी और साबुज साथी के सहयोग से ग्राम पंचायत में मैंग्रोव लगाए गए। परियोजना समन्वयकों में से एक
बुला रानी दास के मुताबिक सुरक्षित स्थान पर लगाने की वजह से ये पौधे बच गए। सुरक्षित स्थान मतलब जहां लहरें कम तीव्र होती हैं। वहां पास के एक अन्य क्षेत्र में वनस्पति शास्त्रियों ने मैंग्रोव लगाने की एक अलग विधि का प्रयोग किया है। उस समय इस इलाके में कटाव का काफ़ी खतरा था। हमने घास के साथ मैंग्रोव लगाना शुरू किया, इससे ज़मीन स्थिर हुई। हमने पहले दिन से ही स्थानीय रूप से उपलब्ध घासों को चुना। नमकीन पानी में उगने वाली घास चार प्रकार की होती हैं। इन घासों में पानी के बहाव के साथ आई मैंग्रोव की फलियां फंसने लगी। हमने शुरुआत में पौधों को थोड़ी सी सहायता दी, पर अब जंगल आत्मनिर्भर है, सेल्फ सस्टेनेबल। अगर वैज्ञानिक तरीके से मैंग्रोव लगाए जाएं, तो करोड़ों पौधों का अस्तित्व बचा रहेगा।